नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और 22 दिसंबर को यहाँ पर हम आए थे। पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही थी टाइम के अकॉर्डिंग, आज मैं 26 साल की हूँ, पहले इतनी नहीं थी लेकिन बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी, ज़्यादा नहीं चल पाती थी और बैंड भी ज़्यादा होने लगी थी, ऊपर से थोड़ा वेट भी ज़्यादा आने लग गया था शरीर के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस कर रही थी यहाँ आने से पहले। लेकिन काफ़ी टाइम से सर्च था यहाँ आने का, कई बार मम्मी को बोलती थी कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरा ऑपरेशन कराओ, मगर बहुत डर लगता था पेरेंट्स को ये सोच के कि कहीं और ज़्यादा हालत ना ख़राब हो जाए। लेकिन एक दिन कड़ा मन करके फैसला किया कि मैं एक बार चेकअप ज़रूर कराऊंगी। मुझे भोला हॉस्पिटल के बारे में वेबसाइट से पता लगा, मैंने इनकी वीडियोस देखी और मैं यहाँ पे आने का मैंने फैसला किया। जिस दिन मैं यहाँ आई, डॉक्टर साहब के साथ एक घंटा जो मेरा सेशन चला जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि क्या प्रॉब्लम मुझे आगे हो सकती है ये ऑपरेशन अगर मैं ना कराऊँ और क्या बेटर मैं हो सकती हूँ अगर मैं ये ऑपरेशन करा लूँ। और आज मैं इस स्टेज पे अपनी मम्मा के साथ बैठी हूँ और मुझे बहुत खुशी है जो अचीवमेंट मुझे यहाँ पे आकर मिली है। शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ठीक हो जाऊँगी और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको देख के कहे कि बेटा फ्रैक्चर हुआ था और आप कहो कि नहीं पोलियो था और उसको ऑपरेशन कराने आई थी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अब लगती नहीं है। अगर एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मम्मी हम कहीं भी मतलब जाते थे शोरूम के बाहर, आप बताओ कैसे। हाँ, जब भी कहीं जाना चाहती थी तो बोलती थी कि कार से मुझे बिल्कुल शोरूम के बिल्कुल एग्जैक्ट बाहर उतारो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊँगी और पैर में तकलीफ हो जाती थी। और अब ये जब से ऑपरेशन हुआ है यहाँ सारा दिन इसको बोलो बैठ जा तो ये बैठती नहीं है, सारा दिन घूमती है और टांग में बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत पावर आ गई है। और जो जो भी प्रॉब्लम थी इसकी, नी की एड़ी टच नहीं होती थी या फिर वेट नहीं आता था, हिप्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आज की डेट में। और एक चीज़ थी, मैं समय के साथ साथ ना आगे की तरफ झुकने लगी थी और पीछे की तरफ हिप बाहर निकलता था। तो जिम के लिए मैंने बड़े पैसे खर्च किए, अच्छा अर्न कर रही थी तो सोचा कि जिम जाऊंगी तो थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगी, मगर वो चीज़ ही नहीं बताते कि जिम से नहीं ठीक होगी वो चीज़। वो चीज़ ऐसी थी कि वो बेंड हो चुका था, आपका शरीर पोलियो में टेढ़ा हो चुका होता है, एक डिफॉर्मिटी आ जाती है आपकी हड्डियों के अंदर और वो ठीक नहीं हो पाती है जो एक ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। उसको अलाइनमेंट करते हैं डॉक्टर साहब जिससे आप सही हो सकते हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है कि हमारा जो हील है, घुटना आगे की तरफ झुका हुआ है, आप खुद देखिए आपकी हील कभी भी ज़मीन पे ज़रूर टच रहेगी मगर वेट नहीं आएगा, इसलिए पैर पे वेट नहीं होता, सारा पैर आप दूसरे पैर पे देख के रखते हो, थोड़े इस तरीके से बेंड रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो मेरे अंदर ठीक हुई हैं। पहली, मेरा घुटना आगे की तरफ बेंड था जो आज की डेट में बिल्कुल स्ट्रेट है, पीछे चला गया है। एक चीज़ होती है, हम जब चलते हैं हमें हल्का सा झटका लगेगा, हम गिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा घुटना लॉक नहीं होता है, हमें डर होता है कि हमें हल्का सा झटका लगेगा हम आगे गिर जाएंगे। वो घुटना जैसे ही पीछे जाके लॉक होता है आपको स्ट्रेंथ आ जाती है खड़े होने की, फिर आपको कोई धक्का भी दे तो आप संभल सकते हो। तो जैसे ही घुटना पीछे गया, मेरी हील ज़मीन पर टच हुई, मेरे पैर ने पूरी स्ट्रेंथ ली और वो सीधा मैं स्ट्रेट हो गई। एक हिप में जो प्रॉब्लम थी जिसको मैं सोचती थी कि जिम जाके ठीक होगा, वो हिप में मेरा हिप बाहर निकल गया था इस तरीके से चलते चलते, और शायद और बिगड़ जाती मेरी हालत अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराती। वो डॉक्टर साहब ने सेट कर दिया, मेरा हिप सेट हो गया, मेरा घुटना सेट हो गया, मेरी हील टच हो गई, मेरा वेट आने लगा दोनों पैरों पर, मेरा पोस्चर स्ट्रेट हो गया और मेरी हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ गई जो जिसके लिए लोग करोड़ों पैसे लगाते हैं, मगर वो भी एक मतलब गॉड गिफ्ट है मुझे जो मिल गया यहाँ पर आकर। एक नई पर्सनैलिटी है, मैं उसे इंजॉय कर रही हूँ और यही गाइड करना चाहूँगी आगे सभी लोगों को जो पोलियो से पीड़ित हैं कि आप एक बार अपने बारे में रुककर सोचिए,
और देखिए कि अपने आप को, ये दुनिया तो चलती रहेगी, हमें इस दुनिया में शायद ही गॉड गिफ्ट कह के हम अपना लेते हैं इस प्रॉब्लम को कि हाँ हम जैसे हैं हमें भगवान ने ऐसे ही भेजा है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ठीक हो सकते हो, आप बेटर हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो, तो ऐसा मत सोचिए। यहाँ आइए, एक बार दिखाइए अपने आप को, आपके अंदर खुद चेंज आप फील करोगे। आज मेरे मम्मा बहुत डरते थे कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, और शादी की तरफ जा रहे थे कि हम इतनी डोरी दे देंगे, हम इतना पैसा दे देंगे लड़के वालों को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट एक मिनट के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी बेटी ठीक कर दें, क्या ज़रूरत है इतना पैसा देने की, और मैं खुद चूज़ करूँगी मुझे अब किसको पसंद करना है। तो आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, एंड एक बहुत अच्छी चीज़ हम यहाँ इस हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहेंगे कि ये 3.5 महीने का ट्रीटमेंट था, यहाँ रहना सब कुछ छोड़ के बहुत अलग लगता है, मगर यहाँ की टीम इतनी अच्छी है, कभी आपको ऐसा फील नहीं होना होने देगी कि आप कहीं और आए हुए हो। एक फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे, कंटिन्यूसली आपकी फिजियोथेरेपी होती है, आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, अब आप कैसे चल रहे हो, अब आप कैसे चल रहे हो, और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, डॉक्टर साहब का एक सपोर्ट होता है आपके साथ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप ठीक हो जाओगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शौक है चप्पलें लेने का या जूते लेने का, तो हमेशा मेरा जो लेफ्ट पैर है जो पोलियोटिक है, उस जो पर्टिकुलर पेयर होता था उसके लेफ्ट पैर के जूते हमेशा सही रहते थे और राइट पैर के खराब हो जाते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी यार, मतलब मैंने इतने महंगे जूते भी लिए और हमेशा राइट पैर के खराब हो जाते हैं, लेफ्ट पैर का एज इट इज रहता है। तो जब मैं यहाँ पर आई और ऑपरेशन था तो हम कुछ लेकर तो आए नहीं थे चप्पल वगैरह, तो मम्मा ने नई चप्पलें मुझे लाकर दी और वो पहनकर मैं चला करती थी। तो चलते चलते जैसे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने हुए, 3 महीने बाद मैंने एक चीज नोटिस की, मैं और मैंने अपनी मम्मा को दिखाया कि मम्मा देखो, जिस पैर पे कभी वेट नहीं आता था उस पैर पे मेरे एड़ी के निशान, मेरे पंजे के निशान और मेरे बीच वाला जो पोर्शन होता है उसके पूरे निशान छपे हुए हैं, और जिस पैर पे मैं खूब वेट डाल के चलती थी और जिसकी चप्पलें टूट जाती थी जिस पैर की, और उस पर बिल्कुल भी मतलब इतना कोई प्रिंट निशान का है नहीं। तो लिजराव का भी वेट था उस पैर पे और वो पैर खुद वेट ले रहा था और इस वजह से वो पर्टिकुलर एरिया दबा हुआ था। तो मतलब ये एक अच्छी चीज मैंने महसूस करी कि इट्स अ साइन ऑफ शोइंग द वेट, और मैंने ये चीज डॉक्टर साहब को भी बताई और यहाँ सबको बताई कि ऐसा कहते जरूर है कि दोनों पैरों पे वेट आ रहा है, बट एक्चुअल में दैट वॉज द प्रूफ कि हाँ मेरे दोनों पैरों पे वेट आ रहा था। आप कुछ शेयर करना चाहते हो? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बस डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये ठीक हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर भोला, थैंक यू द डॉक्टर भोला टीम, थैंक यू सो मच।